करण ने अब तेजस्वी को एक बहुत बड़ा क्रेडिट दिया है। दरअसल बार बार ये कहा जाता है कि करण जो है वो वन ऑफ द बेस्ट बॉयफ्रेंड है। अगर रणवीर सिंह के बाद किसी का नाम आता है तो वो करण है। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो करण ने खुद का ही मजाक उड़ाते हुए जो बात कही है वो चौंकाने वाली है। उन्होंने अपनी एक्स का जिक्र किया है और आप जानते ही हैं कि करण का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही अच्छा है। तो करण ने कहा कि अरे यार, बेस्ट बॉयफ्रेंड का टैग मिलना होता तो बहुत पहले भी तो मिल जाता। यानी कि उनका ये इशारा था कि अगर मैं सच में बेस्ट बॉयफ्रेंड था तो मेरी तो और भी गर्लफ्रेंड्स नहीं है। उन्होंने तो कभी ये बात नहीं कही। तो वो कहते हैं कि ये तेजा की वजह से है, यानी कि तेजस्वी प्रकाश की वजह से जो है वो लोग उनको बेस्ट समझते हैं। तो ये क्रेडिट तेजस्वी को जाता है, उनको नहीं। तो करण ने कहा कि अगर मैं बेस्ट बॉयफ्रेंड हूँ और अगर लोग ऐसा बोलते हैं तो मैं सच में थैंक्स कहना चाहूँगा, लेकिन ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो तेजस्वी को है। हमें हार्डली समय जो है मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, लेकिन हाँ, तेजस्वी बहुत अच्छे से समझती है। और जहाँ तक बात है बेस्ट बॉयफ्रेंड की, तो मैं जैसा पहले था वैसा आज भी हूँ। तो अगर मैं बेस्ट बॉयफ्रेंड होता तो मेरी जितनी पहली भी गर्लफ्रेंड रही है वो भी मुझे बेस्ट समझती। तो उनका ये कहना है कि बेस्ट अगर मैं हूँ तो इसका क्रेडिट किसी और को नहीं, तेजस्वी को जाता है, क्योंकि तेजस्वी उन्हें अच्छे से समझ पाती हैं और तेजस्वी करण जैसे हैं, जाहिर सी बातें उनको वैसे ही एक्सेप्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं करण ये मानते हैं कि वो भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन अगर उनके रिश्ते को कोई परफेक्ट बना रहा है, कोई इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो है तेजस्वी, जो उन्हें वाकई में अच्छे से समझ पाती है।